तो अब हम लोग जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है, कार्बोकेटाइन पढ़ चुके हैं, कार्बेनियंस भी पढ़ चुके हैं, उसके रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब तीसरा रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्री रेडिकल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स किसको बोलते हैं? कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम, क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम हो, जिसके ऊपर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी उस पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ उस पर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग, और ये क्या है, फ्री रेडिकल किससे बनता है? होमोलाइटिक फिशन से। कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनियम जो बनता है हीटरोलाइटिक फिशन से बनता है, लेकिन ये किससे बनता है? होमोलाइटिक फिशन से। ये याद रखना है कि फ्री रेडिकल कब बनेगा? जब होमोलाइटिक फिशन होगा। कार्बेनियन एंड कार्बोकेटाइन कब बनेगा? जब हीटरोलाइटिक फिशन होगा, ठीक है। तो हम लोग होमोलाइटिक फिशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, और इसके ऊपर जो है हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एच न्यू मतलब क्या हुआ? हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, अल्ट्रा वायलेट रेज, एच भी लिखो या नहीं तो अल्ट्रा वायलेट रेज लिखो, यू भी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो ये दो, ये पर जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, तो दो रेडिकल बन गया ये, ठीक है। तो कितना बन गया ये? दो रेडिकल। इसके बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो एक सी एल फ्री रेडिकल ही हो गया एंड सी एल फ्री रेडिकल, दो ठो दोनों के ऊपर एक एक चला गया, तो दो जो है फ्री रेडिकल दे दिया, ठीक है। तो इस तरह का जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारा है, जो जिसमें कि फ्री रेडिकल होता है, हाइड्रोजन का भी होता है इस तरह से, ठीक है, हाइड्रोजन भी रहेगा, ठीक है, इसका भी हाई एनर्जी देंगे, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो गया ये। इसी तरह से हम लोग अल्काइल फ्री रेडिकल भी बना सकते हैं। अब हम लोग जो है अल्काइल फ्री रेडिकल का बात करते हैं, इसका बात करेंगे अल्काइल, अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये क्या है? अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल। तो सबसे सिंपल अल्काइल फ्री रेडिकल कौन होगा? मिथाइल फ्री रेडिकल होगा, सबसे सिंपल, ठीक है। तो सबसे सिंपल, जैसे मान लो कि हम लोग लिए हैं मीथेन है, मीथेन है ये, और इसमें जो है हम एक्स्ट्रा क्वांट हीट एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन टूटेगा आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, तो क्या क्या बनेगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, ये हो गया हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल। ये क्या हो गया? मिथाइल फ्री रेडिकल। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एक बना, तो हम लोग अल्काइल फ्री रेडिकल का बात करें, तो सबसे सिंपल जो फ्री रेडिकल होता है वो अल्काइल फ्री रेडिकल में वो होता है मिथाइल फ्री रेडिकल, ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा, एक हाइड्रोजन लेंगे, एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दिया CH3 से, हीट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये टूटेगा और ये भी टूट जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ चलाएगा, इसलिए हाफ हेडेड एरो दिए हुए हैं, ये फ्री रेडिकल बन गया, एच फ्री रेडिकल बना, इसको क्या बोलते हैं? ये हुआ कि फाइव फ्री रेडिकल, ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल,
ठीक है। और अब देखो ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है। अब इस फ्री रेडिकल, ये जो कार्बन जिस पर कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, जिस पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, जिस पर अनपेयर्ड, यहाँ पर देखो एटम है, एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंटेनिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है, उस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम कंटेनिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज फ्री रेडिकल। तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, तो इस पर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पर, तो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इससे डायरेक्टली एक ही ना कार्बन जुड़ा हुआ है, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3, ये ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, एक कार्बन इस फ्री रेडिकल से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी ना हो गया। प्राइमरी को कैसे लिखते हैं, 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री मिथाइल फ्री रेडिकल। ये हुआ प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल हुआ, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम लोग मार भी लेते हैं, एक CH3 इधर हो गया, एक CH3 इधर हो गया, एक दो हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी देंगे, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। ये CH3 और CH3 H, ये फ्री रेडिकल बन गया और साथ में H फ्री रेडिकल भी है। अब ये फ्री रेडिकल कौन है, 1 2 3, ठीक है ना। ये क्या है, आइसोप्रोपाइल, ये क्या है आइसोप्रोपाइल, इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से दो CH3 जुड़ा हुआ है ना, यही है फंक्शनल ग्रुप, और इसी से दो CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कार्बन को हम लोग बोलते हैं आइसो, इसलिए नाम पड़ेगा इसका आइसो आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, ये हो गया आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसको हम लोग सेकेंडरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये है फ्री रेडिकल का काम, ये कार्बन कर रहा है, तो इस कार्बन से दो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो गया प्राइमरी, और अब इससे दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इससे दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है दोनों, तो ये हो गया सेकेंडरी, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं 2 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, प्राइमरी को 1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हो गया सेकेंडरी आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो गया। अब हम लोग एक टर्शियरी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाई एनर्जी दे देंगे, तो ये टूटेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ जाएगा, इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, साथ में एच फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है। अब इस पर जो है तीन तीन है, तो ब्यूटाइल हो गया, ये क्या होगा ब्यूटाइल, तो ये आइसो तो ये हो नहीं सकता है, तो क्या होगा ब्यूटाइल, तो यहाँ पर ये ब्यूटाइल है, 1 2 3, ये टर्शियरी हो गया, एक कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ, यही फ्री रेडिकल का काम कर रहा है, इससे डायरेक्टली 1 2 3 1 2 3, ये तीनों कार्बन जुड़ा हुआ हुआ, इसलिए ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये क्या हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ये हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो अल्काइल फ्री रेडिकल तीन चार तरह का होता है, एक होता है मिथाइल फ्री रेडिकल, दूसरा होता है प्राइमरी फ्री रेडिकल, तीसरा होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और चौथा होता है टर्शियरी फ्री रेडिकल। तो इतने तरह का अल्काइल फ्री रेडिकल होता है, ये तो अलग अपना रिएक्टिविटी है, क्योंकि अलग चीज़ है वो एटम है, और ये जो हम लोग अल्काइल फ्री रेडिकल का अभी बात किए, इसके स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का बात करेंगे। तो स्टेबिलिटी किसका सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी,
सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ होगा? कार्बोकेटायन में क्या था कि पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। उसी तरह से था कि जिस पर इलेक्ट्रॉन, और कार्बेनियन में क्या था, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा यानी डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्टेबल। तो यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ये एक ही जगह पड़ा रहेगा तो ये हाईली रिएक्टिव होगा। तो इस केस में अगर देखेंगे तो मिथाइल फ्री रेडिकल जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि मिथाइल फ्री रेडिकल में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहीं पड़ा रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, इसी कार्बन पर हमेशा रहेगा, इसलिए इसको अटैक करना सबसे आसान होगा और रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल अवेलेबल है, सामने अवेलेबल है, उसका कोई डिस्पर्शन नहीं हुआ, उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ, उसका कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ। अब है कि बाकी में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी कम है कि ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको हाइपर कंजुगेशन लेना पड़ेगा, कार्बेनियन कार्बोकेटायन वहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन हम अप्लाई कर सकते थे, उससे भी एक्सप्लेनेशन होता, लेकिन वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से आसानी से एक्सप्लेनेशन हो गया इसलिए वो हाइपर कंजुगेशन नहीं लिए। यहाँ पर हमको हाइपर कंजुगेशन के कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन लेना होगा, आगे पढ़ाएंगे हाइपर कंजुगेशन क्या है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, फंक्शनल कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उस पर अगर हाइड्रोजन एटम जितना ज़्यादा रहेगा तो इस फ्री रेडिकल का डिस्पर्शन उतना ज़्यादा होगा, डीलोकलाइजेशन, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन वर्ड का यूज करेंगे, यानी जो फ्री रेडिकल है वो जहाँ पर है वहाँ से दूर भागता रहेगा इधर उधर, तो वो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ये कार्बन है, इस पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये फंक्शनल कार्बन हुआ, तो फंक्शनल कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है, तो इस अल्फा कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है ना, ये हुआ अल्फा कार्बन और इस पर जो है 3 हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इसमें ये कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये भी है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये भी है, ये फंक्शनल कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है तो ये भी अल्फा कार्बन हो गया, इसी से ये भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये भी नेक्स्ट कार्बन हुआ, इसका नेक्स्ट कार्बन है और डायरेक्टली इससे जो जुड़ा हुआ है वही अल्फा कार्बन है, इससे ये जुड़ा हुआ डायरेक्टली इसलिए ये अल्फा कार्बन, इससे ये जुड़ा हुआ डायरेक्टली इसलिए ये भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन यहाँ दो दो है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहाँ देखो इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फा कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये भी अल्फा कार्बन, तो 3-3 अल्फा कार्बन है और तीनों ही अल्फा कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो 3-3 जब हाइड्रोजन है तो कितना होगा टोटल हाइड्रोजन, 9, यानी इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 जगह पर ये फ्री रेडिकल का डिस्पर्शन हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है। यहाँ पर 6 जगह जो है इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो सकता है, यहाँ पर 3 जगह जो है इसका डीलोकलाइजेशन हो सकता है और यहाँ पर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यहीं पर यहीं पड़ा रहेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूसिवली ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है अटैक करवाने के लिए, ठीक है, बाकी जगह फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं हाइपर कंजुगेशन, हम तुमको एक्सप्लेन करके बताते हैं, क्लियर, तो हम एक एक करके अब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है सबसे पहले एग्जांपल मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये है हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, ये है हमारा
मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है, ये है मिथाइल फ्री रेडिकल। अब यहाँ पर इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो इसमें कोई भी अल्फा कार्बन है ही नहीं, अकेला फंक्शनल कार्बन है, यही ना फंक्शनल ग्रुप है, एक ही कार्बन है, फंक्शनल कार्बन है, और कोई भी जो है दूसरा कार्बन है ही नहीं इससे अटैच, इसलिए अल्फा कार्बन इसमें है नहीं, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है इसमें, ठीक है। जो भी रिएक्टिविटी है अब इसको देखते हैं, बाकी को अब देखते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी इससे कम है या इससे ज़्यादा होता है। दूसरा हम लोग, ये हुआ मिथाइल फ्री रेडिकल, अब हम लोग लेते हैं दूसरा इथाइल फ्री रेडिकल। ये हो गया, ये है फ्री रेडिकल, ये हो गया हमारा क्या CH3CH2, ये क्या हो गया CH2, इसी पर फ्री रेडिकल है, उसके बाद ये क्या है CH3, ये हो गया इथाइल फ्री रेडिकल, ये क्या है सेकेंडरी है, ये क्या है प्राइमरी, ये हो गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, ये हो गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो इसमें क्या हो रहा है ऐसा, तो इसमें हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखें, कैसे देखें हाइपर कॉन्जुगेशन, अब देखो ये कार्बन है ना, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन है, ये फंक्शनल कार्बन है ये वाला, तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन है ना वो अल्फा कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये सब हो गया अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया यहाँ पर कितना हो गया 1 अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो जिसमें अल्फा कार्बन रहेगा और अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वहीं पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस पहले पढ़ा चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो अगर वो कॉन्सेप्ट याद है तो दिमाग में लाओ, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। कैसे दिखाते हैं, डीलोकलाइजेशन होगा, अब होता क्या है कि ये है, अब इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर से और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसके पास, और ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर वो भी यहाँ शिफ्ट होगा और इधर से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है, अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक और बॉन्ड बना लिया, अब ये हो गया, ठीक है, और इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि इस पर देखो आ गया एक इलेक्ट्रॉन लेकिन इस दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है इस दोनों के बीच में, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दोनों अट्रैक्टेड है लेकिन इस दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या करेगा, अब ये तोड़ देगा इसको, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से ये आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दोनों मिलके बॉन्ड बना लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, तो देखो डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, ये हाइड्रोजन के साथ नहीं हो रहा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं है, ठीक है। अब इधर से एक इलेक्ट्रॉन आया और इधर से ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग हो गया, ये हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड हो गया, अब यहाँ पर नो बॉन्ड रह गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया और इधर का इधर एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया इसके पास, इसलिए इस दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, इसी को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन।
अब देखो एक बचा ये हाइड्रोजन, यही ये तीसरा अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में, और यहाँ पर नो बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा ना, यहाँ फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है, बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड है, ठीक है। तो कितना कितना बार हुआ, एक दो तीन, ना एक एक यहाँ पर मिला, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ, तो कितना जगह हुआ। तो इस तरीके से इसका चार जगह जो है डीलोकलाइजेशन हुआ। डीलोकलाइजेशन कितने जगह हुआ, चार जगह। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला, एक दो तीन चार, फोर मिला, है ना। तो नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन कितना हुआ, नंबर ऑफ डी लोकलाइजेशन इक्वल टू फोर। तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ, चार हो गया। इसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना हुआ, एक ही। इसमें कोई डीलोकलाइजेशन हुआ नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन कितना हो गया, फोर। तो इससे तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हम लिखते जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखते हैं यहां पर, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यही लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3, ठीक है, सबसे पहले ये। तो इससे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, क्योंकि इसमें एक दो तीन चार कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, एक दो तीन चार, इसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना है, एक ही है, मिथाइल फ्री रेडिकल एक ही है। तो इससे तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर चार चार हो गया, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन चार जगह हुआ, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, चार हो गया। अल्फा हाइड्रोजन में ही डीलोकलाइजेशन होता है, दूसरे में नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये प्राइमरी फ्री रेडिकल जो है मिथाइल से ज्यादा स्टेबल हो गया, ये जो सेकेंडरी है, ये जो प्राइमरी है ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये 0 डिग्री, एक हो गया 1 डिग्री, ये क्या है, 1 डिग्री रेडिकल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, अब देखिए इसमें कितना है, चार है। अब देखते हैं, अब जरा देखिए और एक होगा, तो ये प्राइमरी हुआ, अब रिवार हम सेकेंडरी लेते हैं, उसी को हम सेकेंडरी बना देते हैं, उसमें इसमें क्या है, ये एच है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग जो है CH3 कर देते हैं। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी, दो दो CH3 ग्रुप है ना, इसी से दो दो जुड़ा हुआ है, इस अब ये CH2 नहीं रहेगा, CH रहेगा, CH CH3 CH3, इससे एक CH3 इधर, दूसरा CH3 है, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, एक CH3, दूसरा CH3 जोड़ दिया, ये फ्री रेडिकल हो गया। ये क्या है, 2 डिग्री आइसो प्रोपाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, तो CH3 है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो इसमें देखते हैं किंट्रा कितना बनेगा, प्राइमरी का तो हम लोग देख लिए, उसमें कितना है नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 4 है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कितना कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, तो जरा ध्यान से देखें,
ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है। तो जरा इसको भी हम लोग जरा जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, तो ये भी ना हो गया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के पास भी 1, 2, 3 हाइड्रोजन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इधर भी है 1 अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी है 1 अल्फा कार्बन और 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें 6 हाइड्रोजन हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा। एक तो अभी इधर है, यहाँ तक बना, अभी इसको हम लोग CH3 के रूप में ही लिखते हैं, इसको हम लोग CH3 के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर H और ये हो गया हमारा CH3, ठीक है। तो चार गो जैसे है उसका चार गो है ही। अब इस कार्बन का तीनों अल्फा हाइड्रोजन को यूज करके 1, 2 और 3 बना लिए। अब ये जो कार्बन है ये भी तो अल्फा है ना, इसमें भी ये जो कार्बन है, अब ये इसके चलते बनेगा कि नहीं। अब जैसे यहां पर ये है, इसके चलते जो है अब इस इधर नहीं अटैक करके अपने बाद इधर अटैक करेगा। तो अब हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया, अब जो है 1, 2, 3 बनाइए। अब जो है इस कार्बन का यूज करेंगे तो फिर 1, 2, 3 बनेगा कि नहीं, और 3 बनेगा, ठीक है। अब देखो हम अब दूसरे तरीके से बताते हैं, ठीक है, ठीक है। अगली बार क्या करेंगे कि हम इसको छोड़ देंगे, अब इस पर करेंगे, अब इस बार इस पर इस कार्बन पर अटैक होगा, इस कार्बन पर, ठीक है। इसको यहां मिटाते हैं, इसको हटाते हैं, फिर से हटाते हैं, ठीक है। अगली बार जो लिखेंगे अब इसको हम रहने देते, ठीक है। और अगली बार इसको यूज करेंगे, ठीक है। इस यही चीज है, अब इसका तो हम दिखा लिए, 3 जगह डीलोकलाइजेशन हुआ, 1, 2, 3 है ना, 1, 2 और 3, 3 हो गया डीलोकलाइजेशन। अब इस अब अगर इस अल्फा कार्बन को लेते हैं तब क्या होगा, ये भी तो अल्फा कार्बन है ना, ये भी अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन के चलते भी डीलोकलाइजेशन 3 जगह होगा, कैसे होगा, मान लो कि इस हाइड्रोजन को तोड़ा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर और ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके यहां एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन से ये जुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये CH3 है, वही CH3 यहाँ 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 दिखा 3 जगह, ये वाला CH3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसी तरह से अब इस CH3 को कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, वैसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, अब देखो कि यहाँ से ये निकल गया तो ये रह गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया, फिर दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, अब क्या होगा, ये टूट करके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और ये यहां, दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेगा और यहां ये फ्री रेडिकल रह जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा, अब ये रह जाएगा बिना बॉन्ड के, ठीक है।
अगली बार ये क्या करेगा, ये इसको तोड़ देगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देगा, ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड बना लेगा और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, अगली बार यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगली बार इस दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ रह गया। तो अगली बार देखिए नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन कितना हुआ, ये दोनों तो सेम है, इस दोनों को एक ही को काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन कितना हो गया 7। नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया 7, पहले कितना था नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया 7 हो गया। इसमें नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना था, यही अकेले 1, इसमें नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना आया था 4 आया था, और इसमें कितना आ रहा है नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 7 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है इससे ज्यादा स्टेबल है, यानी सेकेंडरी जो है प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, मिथाइल फ्री रेडिकल से प्राइमरी फ्री रेडिकल जो है ज्यादा स्टेबल है और सेकेंडरी फ्री रेडिकल जो है प्राइमरी फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दो टो सी एच थ्री जुड़े हैं, एक हो गया, चलो इधर फ्री रेडिकल बनाते हैं, ठीक है, ये है ना CH, है ना CH, CH3, CH3, CH, CH3, CH3, दो तो जुड़ गया, तो ये इससे भी ज़्यादा स्टेबल हो गया, ये क्या है सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ये क्या है सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और उसके बाद फिर टर्शियरी का देखेंगे, ये क्या है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये हो गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल, उससे भी ज्यादा स्टेबल हो गया ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, और इसके बाद जो है हम लोग टर्शियरी का करेंगे, इसके बाद जो है अब हम लोग टर्शियरी का करते हैं, ठीक है। तो टर्शियरी में क्या करेंगे, इस एच को हटा देते हैं, यहाँ पर हम सी एच थ्री दे देते हैं, तो यहाँ पर हो गया सी एच थ्री, यहाँ भी हो जाएगा सी एच थ्री, तो ये वाला है ना, ठीक है, CH3, तो ये भी होगा ना CH3, ये भी हो जाएगा CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। तो अभी तक कितना स्ट्रक्चर मिल गया, अभी तक 7 स्ट्रक्चर मिल गया, अभी तक इस अल्फा कार्बन के लिए तो कुछ किया नहीं है, अब इस अल्फा कार्बन के लिए नहीं सब काम होगा, ठीक है। ये जो अल्फा कार्बन है, अब तीन तीन अल्फा कार्बन है इसके पास, 1 2 3, तो इस दोनों के लिए तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन लिख चुके हैं, इसके लिए हाइपर कंजुगेशन यहाँ लिखा हुआ है, इस अल्फा कार्बन के लिए हाइपर कंजुगेशन यहाँ लिखा हुआ है, इस कार्बन के लिए हाइपर कंजुगेशन 1 2 3 लिखा गया, इस कार्बन के लिए हाइपर कंजुगेशन 1 2 3 लिखा चुका है, तो अब ये भी तो 3 देगा, ये भी ना 3 देगा, इसको वैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, तो ये भी तो 3 देगा, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 9 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब ये इसके चलते होगा, तो उसके चलते लिखेंगे तो 3 लिखाएगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, तो 3 उसमें भी लिखा जाएगा, 3 यहाँ, 3 यहाँ, फिर 3 वहाँ, 3
या 9 हो गया और ये एक अकेले ये है तो 10 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, चलो इसी से लिख लेते हैं, अब इसके चलते लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, अब इसको हटा देते हैं तो लिखा हुआ हो गया ना, तब ना तो इसके लिए लिखेंगे हम ये CH3, ये भी CH3 हो गया। तो हमारा ये अल्फा कार्बन ये है, तो इस बार क्या होगा, ये जो है ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा यहाँ और इधर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये और ये दोनों मिलकर के ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस दिख गया, तो ये एक बन गया और दूसरा बनाते हैं। अब ये क्या करेगा, ये अपने बगल वाले को तोड़ेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये आएगा, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा, ये हो जाएगा H फ्री रेडिकल, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बन गया। अब देखिए अब क्या करेगा, ये दूसरा हो गया, अब ये बचा हुआ है, इसको तोड़ेगा, ये इसका आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो और एक बन गया, अब जो है यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ भी बॉन्ड बन गया, अब जो है H फ्री रेडिकल यहाँ बन गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस यहाँ भी एक मिल गया। ठीक है, CH3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये क्या है, ये क्या है अल्फा कार्बन, ये क्या हो गया अल्फा कार्बन, ये क्या है अल्फा कार्बन, तो इसके पास 1, 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब गिनो 1, 2, 3 1, 2, 3 तो 3 दिया 9 और ये वाला स्ट्रक्चर एक हो गया। ठीक है, अब ऐसे गिन लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कितना हो गया, नंबर ऑफ डीलोकलाइजेशन कितना हो गया इसमें 10 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितना हो गया 10 हो गया। तो टर्शियरी फ्री रेडिकल तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। टर्शियरी फ्री रेडिकल तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ये हो गया 3 डिग्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया कि मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल है और टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे कम रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, जिसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, यानी मिथाइल फ्री रेडिकल जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे तो दस उल्टा लिखना होगा हमको। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमने क्या देखा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी में मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद 1 डिग्री फ्री
रेडिकल जो है इससे भी ज़्यादा स्टेबल है, इससे भी ज़्यादा 2 डिग्री फ्री रेडिकल स्टेबल है, ठीक है, और 2 डिग्री से भी ज़्यादा 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो स्टेबल है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी डिपेंड करता है कि फ्री रेडिकल कितना आसानी से अवेलेबल है ना, जितना आसानी से फ्री रेडिकल अवेलेबल रहेगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। तो सबसे आसानी से तो अवेलेबल रेडिकल है वो इसी में है, मिथाइल फ्री रेडिकल, तो इसलिए सबसे ज़्यादा होगा। बाकी में तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसमें एक जगह मिलेगा ही नहीं रेडिकल, दो के बीच में जो है जो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो लैंग्विश रहेगा, कभी इस पर कभी इस पर, इसमें टोटल फ्री जो ये रेडिकल है वो मिलेगा नहीं। इसमें क्या है 3, 3, 6 जगह, यहाँ पर क्या होगा 3 जगह जो है इस रेडिकल का डिलोकलाइजेशन होगा, इसमें जो है 3, 3, 6 जगह डिलोकलाइजेशन हो रहा है, और इसमें 1, 2, 3, 9 जगह डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो सबसे कम तो ये फ्री रेडिकल इसी कार्बन में मिलेगा, क्योंकि वो डिस्पर्सन हो गया 9 जगह, इसमें डिस्पर्सन हो गया 6 जगह, इसमें डिस्पर्सन हो गया 3 जगह पर, और इसमें कोई डिस्पर्सन नहीं हुआ, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा। तो रिएक्टिविटी का जो है स्टेबिलिटी का जस्ट उल्टा होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो सबसे कम रिएक्टिव, जो सबसे कम स्टेबल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि रिएक्शन के लिए पॉजिटिव चार्ज का अवेलेबल होना ज़रूरी है, नेगेटिव चार्ज का होना ज़रूरी है, या फ्री रेडिकल का होना ज़रूरी है। तो जितना आसानी से पॉजिटिव चार्ज मिले, जितना आसानी से नेगेटिव चार्ज मिले, जितना आसानी से फ्री रेडिकल मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव है, और जब डीलोकलाइजेशन हो जाता है तो फ्री रेडिकल का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए रिएक्टिविटी कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होगा वो कौन होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। उसके बाद 1 डिग्री जो है इससे थोड़ा कम होगा रिएक्टिव, थोड़ा और कम होगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है, और इससे भी जो कम होगा वो होगा टर्शियरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल सबसे कम रिएक्टिव होगा, और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो समझ गए फ्री रेडिकल हम लोग।